कुछ वक्त हुआ इस धरती पे एक ऐसी हस्ती आई थी, मासूम सा दिल जज्बों से भरा और ख्वाब आंखों में लाई थी। वन ऑफ माई स्ट्राइकिंग मेमरीज अबाउट परवीन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड समथिंग विच आई हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि ये औरत परमानेंट स्माइल थी इसके फेस पे। आई मीन इट वॉज रिमार्केबल कि कोई भी उदासी की बात कर ले, कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम परवीन को आप बता दें, वो हंसते हुए जवाब देती थी और हमेशा हंसती रहती थी। कि मैडम एक गनी भी थी, अपने आप में एक सखी भी इंसान थी, वो एक आर्किटेक्ट होने के नाते एक डॉक्टर भी थी, एक साइंटिस्ट भी थी और एक सोशल, प्योरली सोशल आप कह लें कि जिंदा दिल इंसान और अपना जिगर दे देने वाला, यानी कि एक माँ का जैसे ममता उनके अंदर झलकता था। हालांकि मैरिड नहीं की, शादी नहीं की थी, लेकिन माँ का ममता उनके अंदर झलकता था। The women at the age of 26 decided to leave everything aside and came to Orangi to work for the poor. दुबली पतली सी एक यंग खातून थी मगर बहुत एनर्जेटिक थी और इलाके के मसाइल के हवाले से उनके दिल में बहुत ज़बरदस्त दर्द था। वो हमारे गलियों में इस तरह फिरा करती थी जैसे कि वो कुछ तलाश कर रही हूँ कि उनके पास जो पावर है वो अप्लाई करें और हमारे गम और हमारे परेशानी को दूर करें। कौन आता है काम चालू नक्शा देने के बाद कि उसकी बाकायदा वो देखने आती थी और कहीं ऐसा होता था कि वो जो मिस्त्री जो है वो उसको जगह बंद की होती है उसको तोड़वा कर दोबारा से जो है उसको सही करवाया उन्होंने। परवीन का तो हमेशा यही होता था ना कि बहुत डिस्पेयर है, बहुत गड़बड़ है दुनिया में, मगर लोग भी तो है ना जो अपने अपनी अपना काम कर रहे हैं, तो ये कि और अपनी ज़िंदगी सही बनाने की को और सक्सेसफुली कामयाबी से, तो उनको देखो, उनसे इंस्पिरेशन लो और उनको इज्जत दो, उनसे सीखो। बहुत सी जगह पे मैं गया हूँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बैंकॉक, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तंजानिया, बहुत से मुल्कों में हमने सफ़र किया, देखा, वहाँ पे काम को प्रेजेंट किया, बहुत से लोगों के वास्ता पड़ा। जो यहाँ पे हमें काम करके मैडम के साथ मज़ा आया है या जो हमने सीखा है, जो समझा है, और उस शख्सियत को देख के बेशुमार लोग इस सेक्टर को ज्वाइन किए ना, सोशल सेक्टर को। और मैडम क्योंकि आपको पता है बहुत ही पोलाइट अंदाज में और एक उस्ताद से ज़्यादा दोस्त के अंदाज में वो सिखाती थी। आपको ये बताऊं कि मैं प्राउड महसूस करता हूं कि जब मैं कहीं इदारे में उनके साथ जाता था, इवन गवर्नमेंट इदारों में भी या समाजी लोगों के भी पास, तो जब ये चाहे तो वो ये बोल सकती थी कि ये मेरा स्टूडेंट है, लेकिन आप यकीन माने जब वो ये जुमला कहती थी कि ये मेरे कुलीग हैं, तो मैं बहुत प्राउड महसूस करता था कि एक मेरे इदारे की डायरेक्टर और मुझे कह रही है मेरे कुलीग हैं। हालांकि मैं एज ए स्टूडेंट था, उनका सीखता था मैं काम और अभी भी सीख रहा हूँ और अभी भी उनके फलसफे को आगे बढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर का रोल भी उनके अंदर था, इंजीनियर का रोल भी उनके अंदर था, आर्किटेक्ट भी वो वैसी, सोशली भी लोगों के साथ में घुल मिल जाना, उनके कल्चर को अपनाना, ग्रासरूट लेवल पे जाके लोगों के दिल को जीतना, और कोई भी पाकिस्तान में बड़ा से बड़ा डिजास्टर होता था तो फौरन ये लगभग करती थी, भले इनके पास फंड है या नहीं है। परवीन ये सोच के थोड़ी काम करती थी कि वो रंगी टाउन को ट्रांसफॉर्म कर देगी, कराची को ट्रांसफॉर्म कर देगी, मेरे ख्याल में सोचती थी, लेकिन उसको मालूम था कि शायद उसके लाइफ टाइम में नहीं होगा। वो मैं इसलिए कहता हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ हर स्माइल इज दैट इट डिडंट मैटर उसका कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता है, उसको मज़ा आता था जिस वो जो काम करती थी, उसको लोगों की मदद करने में मज़ा आता था, उसको कोई नई चीज़ बिल्ड करने में मज़ा आता था, उसको अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में मज़ा आता था, उसको लोगों को खुशियाँ देने में मज़ा आता था, उसको हंसने में मज़ा आता था।
उसका कोई नतीजा निकले ना निकले। उनकी शख्सियत में ये भी देखा कि वो इंसान दोस्त जानवरों से भी उसी तरह से उनकी लगाव थी, पौधों से भी उसी तरह लगाव थी। जब गुजर रही है कहीं पे देखा कोई जानवर तो बीमारी में मुबतला है या वहाँ पे वो अपाज हो गया या कोई गिर गया या एक्सीडेंट हो गया, उसको उठा के ऑफिस तक लेके आना, उसकी मरहम पट्टी मरम्मत करके और उसको ट्रीटमेंट देके और फिर उसका पूरा निगहदाश जैसे एक माँ करती है अपने बच्चों को, उस तरह से मैंने उनको, तो मैं उनकी जो तारीफ़ कहाँ तक मैं गिनवान जाऊँ कि लिख नहीं सकता हूँ उनके बारे में, अगर लिखना भी चाहे तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। मैं कभी नहीं भूल सकती, और ये बातें इतनी दफ़ा हमारी होती हैं ओपीपी से हमारा ताल्लुक कि कल को मैं यहाँ नहीं होंगी दुनिया में तो मेरे बच्चे भी कहेंगे कि हाँ ओपीपी से हमारा ताल्लुक है, क्योंकि उनका बनाया हुआ हाथ का नक्शा अभी भी हमारी रजिस्ट्रेशन होती है स्कूल की, तो हमारे जो जमा कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो परवीन रहमान का ही बना हुआ नक्शा उसमें लग रहा होता है ना, स्कूल का नक्शा मांगते हैं तो वो ही लग रहा होता है, हम कैसे भूल सकते हैं। तो मैंने देखा परफेक्ट हर जगह पे वो फिट थी ना, और अपने काम से बहुत सेंसियर, बहुत मुखलिस थी, जितना हम भी नहीं थे, लेकिन हमने बहुत कुछ उनसे सीखा। अभी हम सीख ही रहे थे, स्टेज पे सीखने के स्टेज पे थे कि अनफॉर्चुनेटली हमसे जुदा हो गए और हम यतीम हो गए। आई मिस परवीन इन द वर्क एज वेल एज बिकॉज work for 33 years 1982 to 2013 31 working together from morning till dark। जो सबसे स्ट्राइकिंग बात है, एंड आई एम स्टिल अमेज्ड एंड आई कांट अंडरस्टैंड के ये क्यों था कि मैंने टीवी पे देखा कि उसको किसी ने मार दिया और शायद फिर अस्पताल की भी थी, एंड एट दैट टाइम आई कुड ओनली इमेजिन हर स्माइलिंग फेस। आई मीन इट इज़ रिमार्केबल, आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं उसके जनाजे पे गया, मैं अकेला से मिला, of course we were very sad, we were crying। मैं उस वक्त भी the only image I had of Parveen in my head was of her smiling face, and that is how I've always remembered her। And इसमें एक magic है जो over the years मुझे समझ में आया है, क्योंकि किसी का smiling चेहरा भूलना बड़ा मुश्किल काम है, खास तौर पे जब वो आपके दिमाग पे छा जाए। A person can die, but the thought never dies. The mission is never dead. And on the third day, on 15th of March, we all came to the office. We had a meeting. The minutes of the meeting was in 4 lines. Parveen is dead. Her work is alive. Let's go. Go, take your seat. And start the work. So all took their seat, crying, started working. So this is, once you lose the hope, you are dead। ये आपा अगर नहीं होती तो ये भी खत्म हो जाना था। ये आपा की बड़ी काविश रही है, मेहनत रही है अकेला आपा की, कि जिन्होंने इतने बड़े अदारे को बेलॉस विदाउट एनी कोई उस सैलरी इसको टेक ओवर किया।
और सबको इन्होंने बैठाया और उन्होंने कहा कि हाँ मैं कोई ऐसी बात नहीं है, आप उनके काम को जारी रखें, आप उनके मिशन को जारी रखें, मैडम हमें मौजूद हैं। और इस तरह से हम मैडम को जिंदा समझते हैं, वरना तो उनको तो आप समझ सकते हैं कि हमारे आँखों के सामने ऐसा हुआ हो तो अब हम अंधेरे ही अंधेरा हैं।